नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीरपुर में दबंगों ने वृद्ध महिला की पीट पीट कर की हत्या। नेत्रहीन बेटे द्वारा गुटके का पैसा नहीं देने पर हुआ था विवाह। मोतिहारी निश पर तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक को मारी टक्कर, दो की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। बिजली समस्या को लेकर सुल्तानगंज में उपभोक्ताओं ने दिया धरना। अधिकारियों ने श्रावणी मेला की तैयारी का बनाया बहाना। और भागलपुर डीएम को मिला खिदमत ए हुसास अवार्ड। अब खबरें विस्तार से। बीरपुर प्रखंड स्थित लत्तीपुर दक्षिण के गौरीपुर पंचायत वार्ड नंबर 5 में सोमवार की बीते रात्रि दबंगों द्वारा एक वृद्ध महिला की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 70 वर्षीय सुधा देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गांव के दबंग युवक रंजन मंडल ने मृतका के नेत्रहीन पुत्र पंकज शर्मा से 500 रुपया नशा करने और गुटखा खाने के लिए मांगा था, लेकिन पंकज ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो खुद ही पैसे मांगकर जीवन गुजर बसर करता है और वह पैसे कहां से लाएगा। वहीं इतनी सी बात सुनते ही दबंगों ने नेत्रहीन पंकज शर्मा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद शोर शराबा सुनकर नेत्रहीन पंकज की मां सुधा देवी घर से बाहर निकली और घटना की जानकारी सरपंच को देने पहुंची। इधर इसकी जानकारी मिलते ही दबंग रंजन मंडल ने घर लौटने के दौरान वृद्ध महिला सुधा देवी की लाठियों से बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही, लेकिन किसी ने भी दबंगों को रोकने या मां बेटे को बचाने का प्रयास नहीं किया और घटना को अंजाम देने के बाद सभी दबंग वहां से फरार हो गए। इधर घायल अवस्था में परिजनों की मदद से पंकज को इलाज के लिए बीरपुर CHC पहुंचाया गया, जबकि घटना को लेकर मृतक महिला की बहू ममता देवी ने कहा कि एक माह पूर्व रंजन मंडल ने घर में घुसकर उसकी छोटी देवरानी की भी पिटाई कर दी थी। वहीं सूचना मिलते ही बीरपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और वृद्ध महिला सुधा देवी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में परिजनों की ओर से अब तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन पुलिस आरोपी दबंग रंजन मंडल की गिरफ्तारी कर मामले की जांच में जुट गई है। हमारा नाम पंकज कुमार शर्मा है, पिताजी के नाम बालभूमि शर्मा, माताजी के नाम सुधा देवी। घर? घर गौरीपुर, वार्ड नंबर 5। की भेलो रे तोरा साथ रात में? रात में भेले हम कोई दूसरा लड़का से बात कर रहे गुजरात से, हमरा 500 रुपया मंगल के मंगल के रंजन में। पिताजी के नाम अशोक मंडल। 500 रुपया सर मंगल के कहले 500 रुपया नहीं हमारा जवाब छे, हम भी दू मंगे खाइ छी, सुरदास आदमी छी, कहाँ से देवे हमें के नहीं छो। तब बहुत चिड़िया बोले छे, हम दूसरा लड़का फिर गप करा लगलिए कहले कि देखे पंजाब में हमरा ऐसे ऐसे खाना मिले छे नाना करी के, बस वही कहे छे। तब हम गलत बात बोली गलत बात, बस हमरा फटम फटी हुआ लगे, हमरा लग हाथ पकड़ी बस लाठी लगा लाठी लगा लाठी दिलके मारी दिलके। हम ओकर बाद हमरा डॉक्टर लग लगले माय हमरा पकड़ी के, उधर से सर अलिए ना द्वार देखिलिये, बस पूरा दमरे लाठी के पूरा मारते मारते एकदम मारी दिल्कि सर, हल्का सांस रहले तो छोड़ लेते। हमार माय के माय की नाम सुधा देवी। सुधा देवी लाठी से मारल, लाठी से पूरा मारल, हाय सब फाड़ी दिले सर। तोरा साथ के रे? हमरा साथ में भौजा छे, आ भौजा तखनी नहीं रे, हम ही दूटा रही खनी तोरो मारल के तोरो माइयो के मारल। हाँ, वो मारे क्रम में पहले हिनका मारल, पहले हमरे मारले छे सर। मोतिहारी के पिपरा कोठी गोपालगंज डुमरिया घाट नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर में आग लग गई और इस हादसे में कंटेनर के खलासी और ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि कंटेनर चालक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना में घायल हुए कंटेनर चालक को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार की अहले सुबह हाईवे पर ट्रक का खलासी पार्किंग करा रहा था, तभी पिपरा कोठी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से
ट्रक में टक्कर मार दी जिसमें दो की मौत हो गई जबकि एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं कंटेनर चालक और खलासी रिश्ते में पिता पुत्र बताए जा रहे हैं जिसमें से पुत्र की मौत हो गई है और पिता निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इधर हादसे के बाद लगी आग को बुझाने के लिए तत्काल पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया जबकि मौके पर पहुंची डुमरिया घाट थाना घाट की पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि इस दौरान घटनास्थल पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ लेकिन प्रशासन की मदद से बाद में यातायात सुचारू हो गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में 3 लोग सवार थे जिसमें से चालक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घटना के बाद वहां से फरार हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि कंटेनर पर दवा और फर्नीचर का सामान लोड था और हादसे के बाद जेसीबी की मदद से सामान निकाला गया जबकि घटना के शिकार सभी लोग हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज के करहरिया बाथ पिपरा कुमैठा नया गांव और बढ़हरा पंचायत में बिजली की समस्याओं को लेकर मंगलवार को पंचायत के प्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं ने सुल्तानगंज के मदरिया पावर हाउस ग्रेड परिसर के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सह कीर्तन भजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 6 पंचायत के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इसको लेकर बिजली विभाग के जेई मंजय कुमार एवं सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचे और उपभोक्ताओं से बातचीत कर श्रावणी मेला को लेकर कार्य में देरी होने की बात कही। साथ ही जेई ने युद्ध स्तर पर कार्य कर 15 दिनों के अंदर सारी समस्याओं का निदान करने का भरोसा धरना प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं को दिया। इधर अधिकारियों द्वारा मिले आश्वासन के बाद सभी जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इसी स्थान पर धरना दिए थे और एक ज्ञापन भी दिए थे विभागीय अधिकारी से। उस ज्ञापन के विरुद्ध सुधार के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था परंतु महीनों बीत जाने के बाद आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। उससे तंग आकर फिर से हम लोग आज विभागीय अधिकारी के कुंभकर्णी निद्रा को जगाने के लिए यहाँ आए हैं और इसके बावजूद भी अगर नहीं सुधार आया तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, ऐसी भी चेतावनी देंगे। भागलपुर के हज यात्रियों को समय पर बस सेवा उपलब्ध कराने और कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराने पर खानकाए पीर डमरिया शाह के 15वें सज्जादनशीन सैयद शाह फकरे आलम हसन ने सोमवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को खिदमत हुज्जाज अवार्ड से नवाजा। सज्जादनशीन सैयद हसन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिला। वहीं इसको लेकर सज्जादनशीन ने कहा कि यह अवार्ड जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को उनके द्वारा हज पर जाने वाले हज यात्रियों की सेवा के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया कि जब प्रदेश भर में ट्रेनें रद्द हो गई थी उस वक्त जिलाधिकारी ने आगे बढ़कर हज यात्रियों के लिए बस सेवा उपलब्ध करवाया जिससे हज यात्री आसानी से हज भवन कोलकाता पहुंच सके। शिष्टमंडल में नुसरत वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिद हलीमी, जमीयत ए उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना असद नासरी नजर, असद इकबाल, मंजर आलम और शाहिद हलीमी उपस्थित थे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के पिपैती प्रखंड अंतर्गत परसपन्ना पंचायत बड़गामा पहाड़ वार्ड संख्या 5 एवं 6 की आदिम जनजाति के गांव में सरकार की ओर से अब तक एक चापाकल तक की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है जबकि इस गांव के ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला है। बता दें कि परसपन्ना पंचायत के बड़गामा पहाड़ की ग्रामीण हर बार चुनाव में हिस्सा लेकर अपने नेता चुनती है जिसमें सांसद, विधायक, मुखिया समेत सभी जनप्रतिनिधि शामिल है।
लेकिन बावजूद इसके वहाँ के लोगों को विकास के नाम पर केवल निराशा ही हाथ लगी है। परसबन्ना पंचायत के वोटर होने के बाद भी ग्रामीणों को आज तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण गाँव के लोगों को आवास, पानी, शौचालय समेत कई प्रकार की सुविधा के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। हालात यह है कि गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामीणों को पानी लाना पड़ता है और वह चापाकल भी अगर खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मती के लिए गांव वालों को हर घर से चंदा करना पड़ता है। सरकार के मुख्यमंत्री नल जल योजना, PHED योजना और शौचालय योजना की सुविधा से भी यहां के ग्रामीण महरूम हैं, जबकि इस गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी मौजूद नहीं है। हालांकि पूर्व में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र को गाँव से हटाकर सेविका ने गाँव से दूर अपने घर पर ही संचालन शुरू कर दिया है, जिसके कारण बच्चों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सामुदायिक शौचालय निर्माण तो हुआ है लेकिन उसमें पानी की सुविधा नहीं होने से शौचालय कभी उपयोग में नहीं आया। हम लोग का यहाँ पे पानी से और राशन कम आदमी को मिलता है और आधा आदमी राशन कार्ड से वंचित है। पानी के बारे में हम लोग का यहाँ एक ही चापाकल है, पानी हम लोग को बहुत दिक्कत है। कितना दूर जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर लगभग जाना पड़ता है पानी के लिए। कुछ सुविधा मिलवे नहीं किया हम लोग। राशन वोशन कार्ड बना है यहाँ सबका? राशन कार्ड नहीं है, बहुत आदमी के नहीं। कुछ पानी ओनी पीने का व्यवस्था? पानी का तो मत पूछिए, पानी तो है ही नहीं है। गर्मी का दिन है, सरकार हर जगह नल जल योजना का कार्य प्रारंभ की है कि हर जगह पानी का व्यवस्था है। आप लोग को कोई व्यवस्था दिया गया है? व्यवस्थे नहीं है। राजद के 26वें स्थापना दिवस पर राजद कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के सुल्तानगंज JP स्मारक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के तेलचित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने कृष्णगढ़ मोड़ के समीप सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसका नेतृत्व युवा प्रखंड अध्यक्ष नट बिहारी मंडल ने किया। वही कार्यक्रम के दौरान राजद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नागेंद्र के निधन पर कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविंद यादव एवं युवा प्रखंड अध्यक्ष नट बिहारी मंडल ने संगठन की मजबूती और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाते हुए इच्छुक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही प्रदेश के निर्देश पर आमजनों के बीच पहुंचकर लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने की भी बात कही। मौके पर पूर्व विधायक फलेन्द्र चौधरी, उत्तरी जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल, अफरोज आलम, निशांत कुमार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। राजद का 26वां स्थापना दिवस है आज और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदाबाबू ने ये निर्देश किया हम कार्यकर्ताओं को कि बंद कमरे में या कार्यालय में नहीं मनाया जाएगा, ये स्थापना दिवस आम जनों के साथ मनाएंगे। इसीलिए शहर के ऐसे चौक चौराहों को चुना गया जहाँ हमारे गरीब गुरबा से लेकर हर लोग A to Z लोग मिले। इसीलिए आम जन में मेरा सिद्धांत राष्ट्रीय जनता दल का जो है वो पहुँचे। हम सामाजिक न्याय सम्पादित सद्भाव के साथ हैं। हम सबको कमाई, सबको दवाई, सबको सिंचाई और सबको नौकरी की व्यवस्था के साथ लोगों के बीच हैं। भागलपुर के पीरपैंती थाना परिसर में बकरीद को लेकर मंगलवार को शांति समिति की बैठक थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान थानाध्यक्ष ने लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद पर्व मनाने और किसी तरह की परेशानी या संदेह होने पर पुलिस को इसकी अविलंब सूचना देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। बैठक में मानिकपुर मुखिया अरविंद शाह, मोहम्मद सुल्तान, रमेश रमन, सरपंच संघ के अध्यक्ष अरुण गोस्वामी और मुखिया उत्तम शाह समेत कई लोग मौजूद थे। अग्निशमन विभाग की ओर से मंगलवार को भागलपुर असानंदपुर स्थित इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्निशमन की टीम ने मॉक ड्रिल कर छात्राओं को गैस चूल्हा में अचानक आग लगने, बिजली शॉर्ट सर्किट और आग लगी की घटना पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षण दिया। अग्निशमन सेवा से जुड़े कर्मियों ने बताया कि अगर गैस सिलेंडर में अचानक आग लग जाता है तो धैर्य रखते हुए आग पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं को प्रशिक्षण देते हुए गैस सिलेंडर में आग जलाकर सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाने का आसान तरीका भी बताया। प्रिंसिपल डॉक्टर चीनत परवीन ने कहा कि आग लगी की घटनाएं हमेशा घटती रहती है। साथ ही बताया कि आग लगी एक घर से शुरू होती है और मिनटों में सैकड़ों घरों को जलाकर राख कर देती है। थोड़ी सी चूक के कारण जान माल की क्षति होती है, इसलिए आग पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। इस अवसर पर छात्राओं के अलावा स्कूल के सभी शिक्षक और कर्मी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेपुर में दबंगों ने वृद्ध महिला की पीट पीट कर की हत्या। नेत्रहीन बेटे द्वारा गुटके का पैसा नहीं देने पर हुआ था विवाह। मोतिहारी निज पर तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक को मारी टक्कर, 2 की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर।
बिजली समस्या को लेकर सुल्तानगंज में उपभोक्ताओं ने दिया धरना, अधिकारियों ने श्रावणी मेला की तैयारी का बनाया बहाना। और भागलपुर डीएम को मिला खिदमत ए हुसास अवार्ड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।